नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश में पत्रकारों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार एवं मारपीट की घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर विरोध जताया एवं घटना की कड़ी से कड़ी निंदा की। आपको बता दें कि ईमानदार पत्रकार अर्णब गोस्वामी को उनके घर से महाराष्ट्र सरकार द्वारा जबरन गिरफ्तार किया गया, जिस पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराकर महाराष्ट्र सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग उठाई तथा आक्रोशित पत्रकारों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाए। ज्ञापन में बताया कि पुराना मामला था जो पुलिस कार्यवाही के करके बंद कर चुकी थी, जिसको सरकार द्वारा फिर से निकाल बेबुनियाद आरोपों के साथ अर्णब को जेल कराना सरकार की नाकामी को दिखाता है। एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन कर ललितपुर के तुवन चौराहे पर नारेबाजी की तथा ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष श्री सुरेश प्रकाश कोते, तहसील अध्यक्ष अभिषेक उनर, पत्रकार राजू तिवारी, दिनेश आदि मौजूद रहे। ललितपुर से अरविंद कपासी के साथ नीर गौतम तुलसीराम की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार और बम्बई का पूरा बॉलीवुड टी कंपनी के कब्जे में है और टी कंपनी के सारे पर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। हमारे रिपब्लिक इंडिया के ब्यूरो चीफ अर्णब गोस्वामी ने कुछ प्रश्न महाराष्ट्र सरकार के सामने रखे, उन प्रश्नों के उत्तर मांगे। पालघर संत हत्याकांड, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड, ऐसे कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों पर निष्पक्ष पत्रकारिता करने का कार्य अर्णब गोस्वामी के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने अपने काले कारनामों को दबाने के लिए मीडिया का गला घोंटते हुए अर्णब गोस्वामी को एक बहुत पुराने मामले में, जिस मामले में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा करके उस मामले को समाप्त कर चुकी थी, उस मामले को पुनः निकाल करके अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करके जेल में डाला है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अर्णब गोस्वामी के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो इस सरकार में आतंकवादियों के साथ नहीं किया गया। जब उनको क्वारंटाइन सेंटर से जेल ले जाया जा रहा था, पूरी गाड़ी को काले कपड़ों से ढककर ले जाया जा रहा था। हम लोग पूरे पत्रकार, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के साथ पूरे ललितपुर जनपद के पत्रकार इस बात की, इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि तत्काल महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करके अर्णब गोस्वामी को तत्काल रिहा किया जाए। हमारे पूरे भारत देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जनपद ललितपुर में पत्रकारों के साथ कई घटनाएं घटित हो रही हैं, तो मैं मांग करता हूँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि पत्रकार निष्पक्ष रूप से अपनी पत्रकारिता कर सकें।